मस्जिद में भी जाएंगे हम दो नाच सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बनके मेहमान नूरे रमजान। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाई, आज रात के खाने में बनाने जा रही हूँ मसाले वाली भिंडी। तो मसाले वाली भिंडी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है, तीन पाव के करीब है ये मैंने भिंडी, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा करके इनको इतने इतने बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और इधर ली थी मैंने एक लहसुन की गांठ पूरी और एक इंच के अदरक का टुकड़ा, जिसका मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। और इधर तीन मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसकी मैंने प्योरी बना ली है। और एक बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए है, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, इस तरह से जैसे हम ऑमलेट में डालते हैं। और इधर मैंने सूखे ड्राई मसालों में लिया है 1.5 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, हंसते जायका नमक और 1 स्पून रेड चिली पाउडर। और इधर मैंने कढ़ाई में गैस मैंने चालू करके कढ़ाई रख दी है, ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पहले भिंडी फ्राई करेंगे। तो ये देखें, ऑयल हमारा गर्म हो गया है और हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी। तो भिंडियों को हमें अच्छे से फ्राई करना है, जो इसकी चिपक होती है वो खत्म हो जाए, इतने अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है। तो ये देखें प्यारे बहन भाई, भिंडी को हमें फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं और कैसे इसका कलर चेंज हो गया है। अभी हम इसको मज़ीद और पकाएंगे 2-3 मिनट, ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और इसमें जो ये चैप है थोड़ी बहुत वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो मिलते हैं आपसे 3 मिनट के बाद में। तो ये देखिए प्यारे बहन भाइयों, भिंडियों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और इनमें जो चिपक थी वो भी माशाल्लाह से पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तब हम इन भिंडियों को निकाल लेते हैं बॉल में। ये देखिए भिंडियों को हमें बॉल में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, जिसका हमें मसाला बनाना है। तो ऑयल आप देख कर ही डालें, क्योंकि आपने पहले भिंडियों में भी डाला हुआ है, तो जो ये ऑयल भिंडियों ने एक्सॉर्ब कर लिया है वो भी इसी मसाले में आ जाएगा। तो कढ़ाई हमारी गर्म है, तब हम डाल देंगे इसी में प्याज, और प्याज को हमें ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए प्यारे बहन भाई, प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, अब इसमें डाल दूँगी मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसी में ऐड कर देंगे सूखे ड्राई स्पाइसेस मसाले। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला भुनने में हमारा मसाला जले नहीं। अब हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए मेरे प्यारे बहन भाई, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। ये देखिए मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे ये टमाटर की प्योरी, और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इनके टमाटरों का कच्चा पन्ना निकल जाए। तो इसको हम पका लेते हैं अच्छे से। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मसाले वाली भिंडी बना रही हूँ तो प्रॉपर मसाला भिंडियों में लिपटा हुआ होना चाहिए, तभी भिंडी खाने का मसाले वाली भिंडी का मज़ा आता है। तो मैं खड़े टमाटर जो रखती हूँ वो हरी मिर्च टमाटर की जो भिंडियाँ बनाती हूँ सूखी वाली, उसमें मैं टमाटर काट कर डालती हूँ, तो उसमें खड़े खड़े टमाटर प्याज हरी मिर्ची अच्छी लगती है। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ में नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल बना लेते हैं हम ये मसाले वाली भिंडी। ये मेरे प्यारे बहन भाइयों, मसाला हमारा माशाल्लाह से कितने अच्छे से भून चुका है। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है मसाले में से। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये फ्राई की हुई भिंडी। तो चलिए भिंडियों को हम इसमें मिक्स कर देते हैं डालकर। तो ये देखिए भिंडी मैंने मसाले में डाल दी है, और इसको हम हल्के हल्के हाथ से अच्छे से मसाले में कर लेंगे मिक्स। तो 50% तो ये 50 नहीं, आप 70% इसको बोल सकते हैं कि 70% ये हमारी भिंडी कुक हो गई है तलने में ही, और बाकी 30% हमारी ये मसाले के साथ में अच्छे से पक जाएगी। तो ये देखिए इसको हमने कर लिया अच्छे से मिक्स, और अब 10 मिनट के लिए हम इसकी लीड कर देंगे बंद। तो 10 मिनट के बाद में हम अपनी मसाले वाली भिंडियों को चेक करेंगे। ये देखिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, गैस को हमने ऑफ कर दिया है, और अब भिंडियों को हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की हमारी ये मसाले वाली भिंडी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, मसाले वाली मज़ेदार भिंडी हमारी बनकर हो गई है रेडी। तो आपको मेरी ये आज की मसाले वाली भिंडी की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें,
मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए हमेशा ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लाती रहूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।